हेलो एवरीवन, आज है थर्सडे, तो आज हम बात करेंगे जुपिटर प्लेनेट के बारे में। जुपिटर मतलब बृहस्पति या गुरु। ये प्लेनेट हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, कितना ज्ञान है हमारे पास। ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टीचर, गुरु, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। टीचर द गाइडिंग लाइट, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं सही राह चुनने में, जिससे हम अपनी सफलता तक पहुंच सके। एक गुरु हमारी लाइफ में होता है तो कैसे एक पावर सी मिल जाती है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है उनके पास। और लाइफ में एक गुरु होने से इंसान को उसकी सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बृहस्पति भी एक ऐसा ही स्पेशल और पावरफुल प्लेनेट है, जो अगर किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। इवन जो हमारे गॉड मतलब भगवान थे, उनके भी गुरु बृहस्पति ही थे, गुरु ऑफ द गॉड्स। अगर आपको अपने हॉरोस्कोप में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, तो आप इसके लिए कौन से सरल उपाय कर सकते हैं? बिना पुखराज की अंगूठी पहने आप कौन से इजी स्टेप से अपने जुपिटर को अपने हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो जैसा कि हमने जाना कि जुपिटर रिप्रेजेंट्स टीचर्स, मेंटर्स, तो आपको अपने टीचर्स की, गुरु की, मेंटर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जो लोग भी आपको कुछ सिखाते हैं, आपसे बड़े हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बुक्स, जिससे हमें ज्ञान मिलता है ना, उनकी भी रेस्पेक्ट कीजिए दिल से। और बहुत से होते हैं कि बुक्स ली, नोटबुक्स ली और इधर उधर फेंक दी, है ना। कभी कभी कोई गुस्सा भी निकालता है अपना, उसको फाड़ता है, तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी। बुक्स और नोटबुक्स, किताबें भी हमें शिक्षा देती हैं, नॉलेज देती हैं, तो ये भी गुरु को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बुक्स की भी रेस्पेक्ट कीजिए। जुपिटर सभी प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बिग, मतलब बड़ा, जो भी बड़ा हो आपके घर में, जो भी सबसे बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, आपकी दादी, दादा, ताऊजी, ताईजी, मम्मा, पापा, कोई भी जिससे आपको नॉलेज मिलती है। हम अपने बड़ों से भी तो कुछ सीखते हैं ना, और कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अपने फादर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी उनकी रेस्पेक्ट कीजिए जो आपके घर में सबसे बड़े हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो इन छोटे छोटे उपायों से भी आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर सकते हैं। तो आप भी करके देखिए ये उपाय, छोटे छोटे से, बस सबको रेस्पेक्ट देनी है। और आप ही मुझे बताएंगे कि आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हुआ या नहीं। थैंक यू।